हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है झारखंड के विभूति। झारखंड के विभूति, तो झारखंड में अनेक वीर और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। उनमें से एक वीरांगना रानी सर्वेश्वरी, जो महिला विद्रोही थी, उनके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये रानी सर्वेश्वरी कौन थी? माल पहाड़ी। पहाड़ी जनजाति दो प्रकार के हैं, जो संथाल परगना में रहते हैं, माल पहाड़ी और सौरिया पहाड़ी। ये जो माल पहाड़ी है, इन लोग का मुख्य संकेंद्रण पाकुड़ में है। वहाँ लिट्टीपाड़ा एक जगह है, उस जगह पे है। तो ये माल पहाड़ी लेडी थी, और इसके पीछे हम लोग कुछ कहानी जानते हैं। तो यूपी तो आप जानते होंगे स्टेट, तो वहाँ पे वहाँ से दो भाई आबू सिंह और बाकू सिंह, आबू सिंह और बाकू सिंह थे। आबू सिंह और बाकू सिंह से आप समझ रहे हैं ये दोनों भाई कौन थे? राजपूत थे। ये दो भाई गोरखपुर के, आबू सिंह और बाकू सिंह, ये गोरखपुर से संथाल परगना के क्षेत्र में आ जाते हैं। उस जगह का नाम रहता है सुल्तानाबाद, सुल्तानाबाद। अब उनके जो संबंधित हैं, कुछ होगा रिश्तेदार, वो लोग रहते थे आपका कहाँ पे रहते थे? खड़गपुर में। अब खड़गपुर में वो लोग राजा थे, कुछ भी होंगे, राजा हो सकते हैं या कुछ राजा के कुछ हो सकते हैं। तो इतना मान लेना है कि वो राजघराना के, राजघराना कहते हैं। तो उन लोग की मदद से ये जो दोनों भाई थे, आबू सिंह और बाकू सिंह, बाकू सिंह बड़ा भाई था, तो उन लोग की मदद से इस सुल्तानाबाद क्षेत्र को वो लोग जीत जाते हैं। और बाकू सिंह जो बड़ा है, वो भाई राजा बनता है, और सुल्तानाबाद जो जगह है वहाँ पे राज करने लगता है। आबू सिंह के बाद उसका भाई, छोटा भाई बाकू सिंह के बाद उसका छोटा भाई आबू सिंह भी राजा बनता है। और इसके बाद क्या होता है कि इन्हीं का संबंधी, आबू सिंह का संबंधी गुरजन सिंह, वो राजा बनता है। और गुरजन सिंह जो रहते हैं, वो एक पहाड़िया लड़की, माल पहाड़ी की जो थी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी से रक्त संबंध स्थापित करता है, यानी वो विवाह करता है। अब दोनों विवाहित हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये होता है कि वो लोग का कोई पुत्र धन की प्राप्ति नहीं होती, यानी गुरजन सिंह निसंतान रहता है। और उसकी मृत्यु 1757 या 58 में हो जाता है, इतना में उसका मृत्यु हो जाता है। अब चूंकि निसंतान था, तो अब वो क्या होता है, रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी बनती है? यहीं पे सुल्तानाबाद राज की, सुल्तानाबाद राज, आजकल इसको महेशपुर कहा जा रहा ना, तो वहाँ की रानी बनती है। तो इतना कहानी है कि कहाँ से कहाँ आया था, और ये रानी कौन थी? रानी सर्वेश्वरी। तो सबसे पहले ये सुल्तानाबाद राज की रानी बनती है, इतना आ गया। और उस समय पलासी का युद्ध उस समय चल रहा था, 1757 के आसपास, जो ये दुर्जन सिंह था, हो गया है वहाँ पर गुरजन सिंह के समय में। तो अब क्या होता है, सुल्तानाबाद राज कहाँ है, जो आज महेशपुर राज कहा जा रहा है। तो प्राचीन समय में सुल्तानाबाद परगना जो था, काफ़ी वनाच्छादित संघन वन से आच्छादित था। वहाँ पे क्या होता है कि पाकुड़ एक ज़िला है झारखंड में, पाकुड़ ज़िला, जो संथाल परगना के, संथाल परगना में पड़ता है। तो पाकुड़ से जाइएगा तो 28 किलोमीटर दूर लगभग, मैं तो गया हूँ वहाँ, तो वहाँ से 28 किलोमीटर अगर दूर जाइएगा तो ये महेशपुर मिलेगा। पहले सुल्तानाबाद था, अभी महेशपुर प्रखंड है, वहाँ पे मिलेगा। तो वहीं पे
इन लोग का जो कोठी होता है, जो राजा का राजवाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस राज्य जो सुल्तान महेशपुर राज था उसमें कुल 9 शासक हुए, लेकिन प्रमाण के तौर पर तो साथी का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है अगर जाने से। और 4 शिव मंदिर भी है वहाँ पे। तो बहुत सारे जो फेमस राजा थे उन लोग के नाम से ये मंदिर हैं। शिव जी का मदन मोहन जी के नाम से एक शिव मंदिर है, और उसके बाद रामचंद्र जी के नाम से भी एक शिव मंदिर है, और एक देवी का मंदिर है शिवानी मंदिर। वहाँ पे कहा जाता है कि बलि चढ़ाया जाता है, पशु बलि, और आसपास के जो लोग हैं वो नरबलि की भी बात कर रहे थे। तो सुल्तानाबाद के बारे में मैंने यही कहा कि कहाँ पे है, पाकुड़ ज़िला में। पाकुड़ से 28 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है महेशपुर, अभी आधुनिक नाम बोलिएगा तो। वहाँ पे इन लोग का राजघराना है, और वहीं पे रानी सर्वेश्वरी वहाँ की रानी बनती है। तो इतना हो जाता है। तो अब हम लोग दामिने कोह के विषय में जानेंगे। हम लोग ये समझ चुके हैं सुल्तानाबाद राज, अब हम लोग क्या जानेंगे, दामिने कोह। तो इसके लिए हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये जो संथाल परगना है, क्या होता है कि यहाँ पे दो जनजातियों का, जो दो ट्राइबल्स हैं, उन लोग की भरमार है। तो पहाड़िया जनजाति तो बहुत प्राचीन है, आदिम प्राचीन जनजाति है, लेकिन ये जो संथाल हैं वो चाय चंपा से आए हैं। चाय चंपा से वो लोग विस्थापित हुए हैं। जब मुग़लों का हस्तक्षेप हुआ तो वो लोग विस्थापित होकर के कहाँ आ गए हैं, संथाल परगना में। लेकिन जब कोई भी आ करके आपके पास बसता है तो जो अगला है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके संसाधनों को वो लोग यूज कर रहे थे ना, उन लोग का जंगल जमीन वन से, तो उन लोग लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो दोनों में क्या होता है, टकराव होने लगता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज लोग उठाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हम लोग पहाड़िया से तो सक नहीं रहे, लेकिन वो लोग किस पर, किसके माध्यम से वो लोग पर विजय प्राप्त करते हैं, कमज़ोर करते हैं उसको, संथाल के माध्यम से। अब संथाल लोग को वो लोग सह देने लगते हैं। दामिने को इसलिए बनाया गया वहाँ की ज़मीन में संथालों को बसाया जा सके, संथाल परगना के क्षेत्र में। तो पाकुड़ वहाँ पे आता है। तो दामिने कोह का वही उद्देश्य था कि वहाँ पे संथालों को बसाने के लिए एक कानून बना, वो है दामिने कोह। इतना समझ में आ गया। और दामिने कोह बनाने का ये भी उद्देश्य था, चूँकि उस क्षेत्र जो था काफ़ी वन से आजादी था, और उस जगह पे क्या होता है, वो लोग चाहते हैं अंग्रेज लोग की जगह को साफ कर दें, साफ करके यहाँ पे खेती योग्य भूमि बना दें, ताकि इससे हम लोग राजस्व को की प्राप्ति कर सकें। तो दामिने को, तो जो रानी थी, रानी सर्वेश्वरी, उनका जो ज़मीन था वो किस पर पड़ता था, दामिने कोह पर ही पड़ता था, और यहीं से लड़ाई चालू होती है। तो इसका कारण समझिए। अब जो इसका संबंध तो पहाड़िया आंदोलन से भी है। अब पहाड़िया आंदोलन का नेतृत्व कौन करती है, अंतिम चरणों में रानी सर्वेश्वरी, चूँकि वो पहाड़िया रहती है। जब पहाड़िया आंदोलन है, झारखंड का जनजाति का पहला विद्रोह मानते हैं इसको ना, और जो पहाड़िया आंदोलन है ये वाला, इसको कौन शांत किए थे, क्लिवलैंड इसको शांत किए थे। उस किसके माध्यम से, संथालों के माध्यम से। संथाल को वो प्रलोभन देते हैं और उसको एक तरफ करते हैं। तो पहाड़िया आंदोलन 4 चरण में हुआ है। पहला 1772 में हुआ है। 1772 में सूर्य चंगरू सावरिया, और दूसरा एक आदमी थे पाचगे डोम्बा करिया पुलहर, पहला जो थे। और 1778 में दूसरा पहाड़िया आंदोलन हुआ, जगन्नाथ देव के माध्यम के साथ में हुआ। और 1779 में कौन है इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके विषय में जानकारी नहीं है, अगर होगा तो आप बताइएगा कमेंट्स में। 1781-82 में कौन करती है, रानी सर्वेश्वरी, ये अंतिम ना। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़ी विद्रोह का के अंतिम चरण में नेतृत्व किया 1781-82 में, समझ गए। तो वहाँ के जो
संथाल परगना के महेशपुर राज की रानी रहेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। किसके सहयोग से? पहाड़िया सरदारों के, वो लोग को अपने में मिला करके दामी ने कोह के विरोध में विद्रोह किया। ठीक है, अब विद्रोह का कारण, सर्वेश्वरी क्यों विद्रोह की? तो कंपनी सरकार द्वारा वन का क्षेत्र को साफ करना, वन क्षेत्र को इसलिए साफ कर रहे थे ताकि वहाँ पे क्या करना है, खेती करके राजस्व की प्राप्ति ना। संथाल परगना क्षेत्र में संथालों को बसाना, ला करके बसाना चाहते थे ना, और ये लोग को बसा भी देते हैं, पहाड़िया लोग कमज़ोर हो जाते हैं, जब पहाड़िया कमज़ोर होते हैं फिर संथालों में वो लोग फिर चढ़ाई कर देते हैं ना। और फिर दामी ने को पहाड़ों का अंचल, इससे पहले मैंने समझा चुका हूँ, तो ना यह विद्रोह किसके विरोध में, जमीन विद्रोह उनकी जमीन को दामी ने को बनाए जाने के विरोध में था। ठीक है ना, उसकी जमीन को वो लोग छीन लेते हैं ना। अब भागलपुर का ब्रिटिश सैनिक क्लीवलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी को जमींदारी छीन लेती है और वे दामी ने को में शामिल कर लेते हैं। अब उसका जमीन को क्लीवलैंड जो थे, कौन थे वो सैनिक कमांडर, ब्रिटिश सैनिक कमांडर के सुझाव पर रानी सर्वेश्वरी का जमीन को छीन लेते हैं और दामी ने कोह में मिला लेते हैं। दामी ने कोह मतलब गवर्नमेंट का वो जमीन हो गया ना। अब उसके में हो जाता है, अब क्या होता है कि दोनों में मुकदमा चलाया जाता है, रानी पकड़ी जाती है और अंततः उस पर क्या होती है, दोषी साबित हो जाती है 1783 में, और भागलपुर जेल भेज दिया जाता है। 6 मई 1807 को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। तो दामी ने को के विषय में हमने बताया, दामी ने को कहाँ से कहाँ तक था, दामी ने को आपका भागलपुर से लेकर के पाकड़ो तक का क्षेत्र उस समय था, संथाल परगना पूरा ना, तो उसको क्या बोलते थे, दामी ने को। तो यह जो भी पूछा जाए कि रानी सर्वेश्वरी जो थी किसके विरुद्ध में, किसके लिए लड़ाई की थी, दामी ने को। कौन थी? माल पहाड़िया थी। और किस राज घराने से थी? तो ये सुल्तानाबाद महेशपुर भी कहा जा रहा है, महेशपुर के माध्यम से करना है ना। और ये पहाड़िया आंदोलन का अंतिम चरण में ये नेतृत्व किए थे, की थी, क्योंकि पहाड़िया आंदोलन 4 चरणों में था, ये लास्ट में 1781 से 82 में नेतृत्व की थी। चूँकि इनकी ज़मीन को अंग्रेज जो थे वो दामी ने कोह में मिला रहे थे और रानी को ये अच्छा नहीं लगा, चूँकि अब दामी ने कोह मतलब ज़मीन को कौन ले रहे थे, अंग्रेज गवर्नमेंट ले रहे थे, उसके विरोध में विद्रोह हुआ। अंततः ये पकड़ी जाती है और इस पर मुकदमा चलता है और दोषी करार होती है और भागलपुर इन्हें भेज दिया जाता है। संथाल परगना में उस समय भागलपुर भी आता था और वहाँ इनकी अंतिम सांसें ये लेती है, कब? 6 मई 1807 में लेती है ना। इस प्रकार जो रानी सर्वेश्वरी का जो भी था, जो वीरांगना थी, ये जो महिला विद्रोही मानिएगा झारखंड की, इन्होंने सफल नेतृत्व किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।